हाय स्टूडेंट्स, मैंने कोई सेंटर तरफ से आप सब के लिए एक चैलेंज स्टार्ट किया गया है। 10 डे चैलेंज है। जिन भी बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि आप फिजिक्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो। ठीक है, तो हमारा चैलेंज है, 10 डे चैलेंज है, डेली 2 आवर फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले हम फिजिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको पढ़ाया गया कोचिंग में, स्कूल में, डेली आप उसे रिवाइज करोगे, सबसे पहला काम। सेकंड चीज़, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थर्ड स्टेप होगा, जो आपका नेक्स्ट डे पढ़ाया जाने वाला है आप उसे पढ़ोगे। ठीक है, बट इसमें कुछ रूल्स हैं, 2 घंटे से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 आवर है तो ओनली 2 आवर, ज़्यादा हो जाए कम नहीं चलेगा, 1 सेकेंड भी कम नहीं, तभी आप चैलेंज में विनर बनोगे। सेकेंड रूल है, आपके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, बस आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, बुक फिजिक्स की, नोट्स आपके पास जो आपने बनाए हैं। सेकंड, आपके पास क्या चाहिए? नोट्स तो होने चाहिए, रफ एंड एक पेन या पेंसिल आपको रखना है अपने पास। जब आप कुछ चीज़ों को पढ़ोगे, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। लाइक, पसंद का मतलब क्या है? ठीक है, समझ में नहीं आएंगे बिल्कुल। ठीक है, उसे क्या करना है, आपको राइट डाउन करना है और दोबारा पढ़ना है। नेक्स्ट डे जब आपकी क्लास होगी फिजिक्स की, उस टाइम पे आप क्लास में टीचर से, भाई तो हम यहाँ पे बताएंगे डेफिनेटली, उसे आप पूछोगे और उसे आप एक्सप्लेन दोबारा जाकर उस चीज़ को पढ़ोगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो चैलेंज है, एक्सेप्ट द कोई भी बेड पे खाट पे बैठ के नहीं पढ़ेगा। ये चैलेंज क्या है, या तो आप टेबल या चेयर पे बैठ के पढ़ो, या आप चटाई पे नीचे मैट डालो, मैट पे पढ़ो। ठीक है, बट ध्यान रखना टाइम इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 आवर रखा गया, 2 आवर गारंटी है। अगर आप 10 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, फिजिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। न्यूमेरिकल्स आपसे आके खुद बोलेगा कि भैया मुझे सॉल्व करना। ठीक है, ये आप फिजिक्स का मीनिंग ही जानते हो। फिजिक्स मतलब क्या होता है? नेचर, हमारे आसपास में होने वाली जो भी प्रोसेस है, जो भी घटना है, वो सब फिजिक्स है। हम अगर अपने आसपास की चीज़ों को नहीं समझ पाए तो फिजिक्स को क्या समझेंगे? सिंपल सर, फिजिक्स समझना है तो उसे फील करना सीखो। और गारंटी है, पहले आप इस चैलेंज एक्सेप्ट करो, आपके लिए आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, अगर आप इस चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, अगर आप फिजिक्स को फील कर पाते हो, तो आपके लिए बेहतर, बहुत अच्छी बात डेफिनेटली होगा। बट ये चीज़, कंडीशन वही है, आपको अपने स्ट्रिक्ट रूल से फॉलो करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, वो जो 2 आवर हैं, चाहे आप मॉर्निंग फिक्स करो, किसी भी टाइम फिक्स करो, बट 10 डेज वही 2 आवर्स होने चाहिए। उस टाइम को चेंज नहीं करना है किसी भी रीजन से, चाहे घर में कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, बट ध्यान रखना चेंज नहीं होना चाहिए। वो 2 घंटे उस टाइम आपको फिजिक्स ही पढ़ना है, या उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। वही, और अपना नाम, ठीक है, और क्लास और टाइमिंग इस वीडियो के कमेंट में सभी मैसेज करेंगे क्लास के साथ। ठीक है, और अब देखेंगे आपकी कुछ सरप्राइज भी रहेगा जो इस चैलेंज में विनर होते हैं। ठीक है, थैंक यू लॉट।